नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल YMW सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे जो है मेरे वीडियो पे कमेंट आ रहे थे। आप लोगों ने कमेंट करके बोला कि सर मुझे बताइए कि मेरे पास में कमर्शियल स्पेस है तो मैं अपना कमर्शियल स्पेस जो है बैंक को जो है ATM मशीन सेटअप करने के लिए कैसे ऑफर कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे अगर आप किसी भी बैंक का आप ATM इंस्टॉल करना चाहते हैं, चाहे आपका SBI हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पंजाब नेशनल बैंक हो या और भी कोई गवर्नमेंट बैंक के अगर ATM आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स इसके लिए जो है कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है। इसके लिए जो है आपको जो है ऑफलाइन अप्रोच करना पड़ेगा बैंक से। वो कैसे करेंगे मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको इस चैनल पर जो है बिजनेस और फ्रेंचाइजी के रिगार्डिंग जो है आपको समय समय पर वीडियो आपको दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास में कोई कमर्शियल स्पेस है, आप उस स्पेस को किसी भी बैंक को आप देना चाहते हैं ATM सेटअप करने के लिए, तो पहले तो जो है आपके पास में जो भी कमर्शियल स्पेस होगा तो वहाँ पर फुटफॉल एरिया कितना है वो आपको पहले सर्वे करना पड़ेगा। और आपको ये भी सर्वे करना पड़ेगा कि अगर आप वहाँ पर ATM इंस्टॉल करते हैं SBI का या बैंक ऑफ बड़ौदा का या पंजाब नेशनल बैंक का या बैंक ऑफ इंडिया का, तो वहाँ पर डे का कितना ट्रांजेक्शन होगा वो भी जो है आपको वहाँ पर सर्वे करके दिखना पड़ेगा। उसके बाद आप जिस लोकेशन पर आप ATM मशीन आप किसी भी बैंक का सेटअप करना चाहते हैं तो उस लोकेशन से कितने दूर पे जो है दूसरे बैंक का ATM है या सेम बैंक का ATM जो है एग्जिस्ट करता है वो आपको जो है नोट डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप जिस लोकेशन पे आप ATM सेटअप करना चाहते हैं किसी भी बैंक का, तो आपके उस लोकेशन पे ATM क्यों सेटअप होना चाहिए वो आपको जो है बैंक को बताना पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर आपके लोकेशन पे जहां पे आप ATM मशीन सेटअप करना चाहते हैं, अगर उस ATM मशीन से पर डे का अगर 80 से 100 ट्रांजेक्शन नहीं होता है तो बैंक आपके लोकेशन को कंसिडर नहीं करती है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपके लोकेशन में फुटफॉल एरिया ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस या बहुत सारे बिजनेस हाउस वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और आपको लगता है कि आपके लोकेशन पे अगर ATM मशीन इंस्टॉल होगा तो वहाँ से पर डे का 100 ट्रांजेक्शन होगा, फ्रेंड्स इस केस में आप जिस बैंक का ATM मशीन सेटअप अपने लोकेशन पे करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको उस बैंक से अप्रोच करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप कोशिश करें कि आपके एरिया में जो भी बैंक का ब्रांच हो, चाहे SBI का हो या बैंक ऑफ इंडिया का हो या आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का हो, तो आप जो है उस बैंक के हेड ऑफिस में जो है आप कांटेक्ट करने की कोशिश करें। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आपके एरिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है तो आपको देखना है कि आपके सिटी का मेन ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है। तो फ्रेंड्स, आपको उसी मेन ब्रांच में जो है आपको एक एप्लीकेशन लिखकर जो है आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप वो एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे मैं आपको यहां पे दिखाने वाला हूं। तो यहां पे देख रहे हैं, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो है मैंने लेटर लिखा है ATM इंस्टॉल करने के लिए। तो यहां पे जो है आपको टू द मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करना पड़ेगा और जो भी आपका सिटी होगा वो आपका सिटी और उस बैंक का आपको पूरा एड्रेस जो है आपको वहां पे लिख देना है। उसके बाद जो है सब्जेक्ट आपको लिखना है। सब्जेक्ट में जो है आपको प्रपोजल ऑफरिंग प्रीमाइसेस फॉर ATM ये आपको लिखना है। उसके बाद जो है आपको डियर सर मैडम आप ये लिखेंगे और यहाँ पे आपको लिखना है दिस इज टू इन्फॉर्म यू डेट आई हैव ए गुड कमर्शियल स्पेस एट, अपना यहाँ पे लोकेशन लिख देंगे। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे अपना लोकेशन लिख दिया है। उसके बाद आप जो भी लोकेशन आप यहाँ पे देंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि उस लोकेशन में ऐसा क्या चीज़ है कि वहाँ पर डे का 100 ट्रांजेक्शन होगा। तो यहाँ पे देख रहे मैंने लिखा है कि इन दिस लोकेशन अवेलेबल ऑफ मेनी कॉरपोरेट ऑफिस बिजनेस हाउस स्टोर एंड ऑल्सो डेली बिजनेस प्लेस बट देर इज़ नो ATM मशीन फॉर कैश विड्रॉल ऑफ एनी बैंक विद इन 1.5 किलोमीटर इन दिस लोकेशन। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि जो भी यहाँ पे लोकेशन मैंने दिया है, मैंने बताया है कि इस लोकेशन में बहुत सारे कॉरपोरेट ऑफिस है, बिजनेस हाउस है, स्टोर से यानी कि बहुत सारी दुकानें हैं वहाँ पे और वहाँ पे डेली बिजनेस प्लेसेस है, पर वहाँ पे कैश विड्रॉल करने के लिए किसी भी बैंक का ATM मशीन जो है उस लोकेशन पे अवेलेबल नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया कि वहाँ पे कितने दूर में उस लोकेशन से ATM अवेलेबल है। यहाँ पे देख रहे मैंने बताया है कि 1.5 किलोमीटर के अंदर जो है उस लोकेशन पे कोई भी ATM मशीन अवेलेबल नहीं है कैश विड्रॉल करने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कि सो आई वुड लाइक टू ऑफर माई कमर्शियल प्रीमाइसेस ऑन लीज फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ATM मशीन ऑफ योर स्टीम बैंक। इसलिए मैं अपना जो कमर्शियल स्पेस है आपको लीज पे दे रहा हूँ ताकि आप अपना बैंक का ATM मशीन जो है आप इस पे इंस्टॉल कर सके। देन उसके बाद आपको क्या करना कि आपका जो भी स्पेस प्रीमाइसेस होगा जिस भी लोकेशन पे, तो आपको जो है उस एरिया का पूरा डिटेल जो है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे जो है आपको अपना प्रीमाइसेस का पूरा एड्रेस लिखना है। उसके बाद जो है आपको डिस्टेंस फ्रॉम मेन रोड से आपको डिस्टेंस देना है। अगर आपका लोकेशन मेन रोड पे है तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देना है। ठीक है,
फ्लोर एरिया जो है आपको यहाँ पे लिखना है, कारपेट एरिया यहाँ पे आपको लिखना है, फिर उसका जो है एज ऑफ प्रीमाइसेस यानी कि आप उस प्रीमाइसेस को कब आपने बनाया है वो आपको यहाँ पे ईयर में आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको प्रपोज लीज रेंटल चार्ज पर मंथ यानी कि आप अगर बैंक को लीज पे देते हैं तो उसके लिए आप पर मंथ कितना आप रेंट लेंगे वो आपको यहाँ पे लिखना है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद जो है यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर आप अपने एरिया को अगर आप रेंट या लीज पे देते हैं तो उसके लिए कोई आप सिक्योरिटी डिपॉजिट लेंगे तो वो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे अमाउंट आपको लिखना है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन लिख देना है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल टू बी पेड बाय द बैंक एट एक्चुअल यानी कि जो भी उस प्रीमाइसेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो बैंक को पेमेंट करना है। देन उसके बाद आपको दूसरा टर्म एंड कंडीशन क्या लिखना है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्सेस टू बी पेड बाय मी यानी कि जो भी म्यूनसिपलिटी को टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा वो जो है ऑनर के थ्रू यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे देख रहे लीज डीड रजिस्ट्रेशन चार्जेस टू बी पेड इक्वली बाय द पार्टी यानी कि लीज डीड बनाने में जो भी खर्च आएगा उसका जो खर्चा है दोनों पार्टी बेयर करेगा, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं रेंट इज टू बी पेड इन एडवांस बाय फिफ्थ डे ऑफ एवरी मंथ यानी कि जो भी आपका प्रीमाइसेस होगा उसका रेंट जो है हर एक महीने के 5 तारीख को जो है आपको मिल जाना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। नोटिस पीरियड फॉर टर्मिनेशन ऑफ द लीज डीड इज 2 मंथ यानी कि बैंक अपना ATM मशीन जो है वहाँ से विड्रॉल करना चाहती है उस लोकेशन से तो वहाँ पे जो है बैंक को आपको 2 मंथ का नोटिस पीरियड आपको देना पड़ेगा, वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मेंशन करना है इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन द अबव सेड प्रीमाइसेस देन यू मे कॉन्टेक्ट मी, आपको अपना यहाँ पे नंबर लिख देना है और आपको यहाँ पे ईमेल आईडी भी लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है कि आई एम द राइटफुल ऑनर ऑफ सेड प्रीमाइसेस यानी कि उस प्रीमाइसेस का मैं जो है एक राइटफुल ऑनर हूँ। देन उसके बाद जो है यू मे कम फॉर ए विजिट टू इंस्पेक्ट द प्रीमाइसेस एट एनी टाइम ड्यूरिंग बिटवीन यहाँ पे समय मेंशन किया गया है, यहाँ पे जो है आप अपना टाइम लिख देंगे कि किस समय बैंक जो है उस प्रीमाइसेस को विजिट करने के लिए आ सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि आई एम वेरी कोऑपरेटिव एंड कंसिडरेट पर्सन, आई लुक फॉरवर्ड टू ए लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप विथ योर बैंक, यहाँ थैंकिंग यू लिखना है, योर फेथफुली यहाँ पे आपको अपना नाम कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस आपको पूरा फुल लिखना है और यहाँ पे आप कोशिश करें कि अगर आप जहाँ पे भी जिस लोकेशन पे आप ATM मशीन आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो आपको उस लोकेशन का 3-4 फोटोग्राफ जो है आपको लेना पड़ेगा, एक आपको लेफ्ट साइड से लेना चाहिए, देन उसका जो है एक आप राइट साइड से लेंगे, देन उसका जो है आप एक फ्रंट का फोटो आप लेंगे, उस फोटोग्राफ्स को जो है आपको इसी के साथ में जो है आपको इनक्लोज कर देना है। उसके बाद जो है आप उस एप्लीकेशन को आप जिस बैंक का ATM मशीन इंस्टॉल करना चाहते हैं आप उस बैंक के हेड ब्रांच में जो है आपको जाकर सबमिट कर देना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप कोशिश करें कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर हेड ब्रांच आप विजिट किए हैं तो आपके एरिया में जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच होगा तो उसमें जो है आप उस एप्लीकेशन का कॉपी आप सबमिट कर दें। फ्रेंड जब आप इस एप्लीकेशन को आप हेड ब्रांच में सबमिट करते हैं उसके बाद क्या होता है कि बैंक जो है आपके एप्लीकेशन को देखती है, अगर बैंक को लगता है कि आपके लोकेशन पे ATM मशीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का होना चाहिए तो फ्रेंड्स आपके लोकेशन को जो है बैंक की तरफ से कंसीडर किया जाता है और वहां पर जो है आपको टाइम भी दिया जाता है कि मैं आपको इस टाइम में आपके एरिया को इंस्पेक्शन करने के लिए आ रहा हूं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है बहुत लोगों ने अपना ATM मशीन अपने कमर्शियल स्पेस पे इंस्टॉल किया है, फ्रेंड्स आप भी जो है इस तरीके को यूज करके जो है आप अपने कमर्शियल स्पेस पे आप ATM मशीन किसी भी बैंक का जो है आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को पूरा जानकारी मिल गया होगा कि अगर आपके पास में कमर्शियल स्पेस है और आप अपने कमर्शियल स्पेस को आप किसी भी बैंक को ऑफर करना चाहते हैं ATM मशीन वहां पे इंस्टॉल करवाने के लिए तो आप कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स फिर भी अगर आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें ताकि फ्रेंड जिन लोगों को नहीं पता है कि वो अपने कमर्शियल स्पेस को बैंक को कैसे ऑफर कर सके ATM मशीन इंस्टॉल करवाने के लिए उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।